श्री चैतन्य ट्रस्ट की चेयरमैन आनंद मूर्ति गुरु माँ पत्रकारों से रूबरू हुई। ऋषि चैतन्य ट्रस्ट की चेयरमैन आनंद मूर्ति गुरु माँ द्वारा भक्ति और योग के अमृत वर्षा का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में आनंद मूर्ति गुरु माँ पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी मानवता, अपने संस्कार को मत भूलिए। उन्होंने कहा कि ध्यान, योग, वेदांत को जो गहरे सूत्र हैं, वो आसान जुबान में हम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी से अपने संस्कारों से जुड़े रहने पर बल दिया। अपनी बात आपके जरिए आपके जो पाठक हैं उन तक पहुंचा पाए। और दो बातें थी कि अपने संस्कारों को मत भूलिए, अपनी मानवता को मत भूलिए, अपनी जिम्मेदारियों को मत भूलिए, और ध्यान, योग और वेदांत को जो गहरे सूत्र है उनको हम आसान जुबान में लोगों तक पहुंचाने का जो कोशिश कर रहे हैं। और काशी की इस पवित्र नगरी में हमारे भारत भर से जो बहुत सारे भक्त और शिष्य आए हैं, तो ये एक कारण था कि सब लोग तीर्थ यात्रा भी करें और वो लोग यहाँ आए और यहाँ का सुंदर भव्य, जो इतना प्यारा मंदिर अविश्वसनीय है, जो कॉरिडोर बना है, उसका सब दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद दर्शन प्राप्त करें। और बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग अपने संस्कारों से जो दूर हो जाते हैं, जैसे जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, मॉडर्न या कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, तो वो कहते हैं तिलक नहीं मैं लगाऊंगा, तिलक लगाने में उसको शर्म आती है। वो तिलक लगाने में उसका विज्ञान क्या है, क्योंकि आपका ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये उसको एक्टिवेट कर सकता है अगर आप वहाँ पर एकाग्रता साधते हैं। तो जो योग की पद्धतियाँ हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ और ऊँचा बना सकती है, क्योंकि जब आपका पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होती, धी धृति और स्मृति अच्छी होती है। तो अगर आप कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कॉलेज में या स्कूल में है या राजनयिक है, तो आपको एक अच्छी बुद्धि की आवश्यकता है, एक अच्छी स्मृति की आवश्यकता है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो चिंता मुक्त होने के लिए धर्म की शरण में तो आना ही होगा। तो इस ज्ञान, विज्ञान और योग के साथ एक सुंदर जीवन हम जिए और एक सुंदर समाज का सृजन हम करें, इसके लिए ये मेरा इस नगरी में आने का कारण था।